तो फ्रेंड्स आज के इस सीएसएस क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं कैरेट कलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने एचटीएमएल वेब पेज पर एक एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट किया है जिसका कोडिंग कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मैंने डीव क्रिएट किया और इस डीव का क्लास रखा मैंने मैन डीव, ठीक है। और इस डीव के अंदर एचटीएमएल कोडिंग के जरिए मैंने फॉर्म क्रिएट किया है। एचटीएमएल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारा ये जो डीव है, इस डीव के क्लास के अंदर हमने ये सीएसएस कोड लिखा है जिसके अंदर हमने डीव की विड्थ दी है 50% की और मार्जिन रखा है ऑटो, ताकि हमारा ये जो डीव है सेंटर में डिस्प्ले हो, ठीक है। और टॉप से हमने मार्जिन रखा है 150 पिक्सल का और पेडिंग दिया है और इस डीव का हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया है। अब फ्रेंड्स हमारा ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के किसी भी फील्ड पर हम क्लिक करते हैं तो हमें एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखाई देता है। थोड़ा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो फर्स्ट नेम वाली जो फील्ड है इसके अंदर एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखाई दे रहा है जिसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। तो यदि हमें इसका कलर चेंज करना हो तो इस केस में हम कैरेट कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो उसके लिए जिस फॉर्म के अंदर हमें कैरेट कलर देना है उस फॉर्म को एज ए सिलेक्टर के तौर पर हमें स्टाइल टैग के अंदर लिखना है और इसके अंदर हमें कैरेट कलर प्रॉपर्टी लिखनी है। और इस कैरेट कलर प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू के तौर पर ऑटो लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं, कलर का नाम लिख सकते हैं और कलर का कोड भी हम लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर ऑटो वैल्यू लिखेंगे तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए अभी भी हमारा जो ब्लिंक करता हुआ जो कर्सर है उसका कलर ब्लैक कलर में ही आ रहा है क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। और इसके अंदर हम यदि ट्रांसपेरेंट वैल्यू लिखते हैं तो हमारा ये जो कर्सर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए अब हमारा ब्लिंक करता हुआ कर्सर ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम इस फील्ड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम कलर कोड दे सकते हैं। तो यहाँ पर फोटोशॉप में ऐसे में कोई भी कलर कोड ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और इसको कॉपी किया और यहाँ पर हैज लगा के मैंने पेस्ट किया, ठीक है। चलिए सेव करते हैं, रिप्रेस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ये जो ब्लिंक करता हुआ जो कर्सर है उसका कलर ब्लू हो चुका है। इसके अलावा हम कलर का नाम देकर भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर का नाम दे देता हूँ रेड, सेव किया, रिप्रेस किया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो ब्लिंक करता हुआ जो कर्सर है उसका कलर रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम कैरेट कलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने एचटीएमएल फॉर्म के अंदर जो ब्लिंक करता हुआ जो कर्सर है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।